إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين دین میتھ کی طرح کا کوئی خشک مضمون نہیں ہے کہ جس میں ہمیشہ یہ طے کر دیا جائے کہ یہ دو پلس دو چار ہوتے ہیں اور پھر اسی پہ نمبر لگتے رہیں اور کٹتے رہیں. دین ایک زندہ تعلق ہے جس میں بہت ساری ایکسیپشنز بھی آتی ہیں. اللہ پاک نے اپنی محبت کو ماں کی محبت کے پیمانے سے ناپا ہے اور فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب یہ جو ماں اور اولاد کا تعلق ہے, پیار کا تعلق ہے, اس میں بڑی اونچ نیچ آتی ہے. بعض دفعہ چھوٹی سی بات پہ ڈانٹ دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ روتے بچے کو ماں کوئی ایسی حرکت کرتی ہے کہ جس سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہے لیکن وہ کھلکھلا کے ہنس دیتا ہے. قرآن حکیم تذکروں سے بھرا پڑا ہے اور اپنے آپ کو تذکرہ ہی کہتا ہے. کہیں جنت کے تذکرے ہیں, کہیں جہنم کے تذکرے ہیں, کہیں قوموں کے ڈوبنے کے اور عذاب کے احوال ہیں, کہیں کامیاب ہو جانے والوں کی سٹوریاں ہیں. ان تذکروں سے ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے. تذکرہ جو ہے, فرمایا نبی آپ یاد دہانی کیجئے, یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتی ہے, ایمانی کیفیت میں اضافہ کر دیتی ہے. صحابہ کے اور ہمارے درمیان جو فرق ہے وہ اسی ایمانی لیول کا فرق ہے, اس کے آرٹیکلز کا فرق نہیں. سات چیزوں پہ وہ ایمان رکھتے تھے, سات چیزوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں, لیکن کس طرح رکھتے ہیں فرق صرف اتنا سارا ہے. نماز کی اتنی رکعتیں وہ بھی پڑھتے تھے, ہم بھی اتنی پڑھتے ہیں.
फ़राइज़ और सुन्नतों का भी एहतमाम करते हैं, लेकिन एक ख़ास कैफियत है जो उनमें थी और हम में नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब हम हाज़र होते हैं और आपके दरबार की कैफियत पढ़ते हैं, वाक़यात पढ़ते हैं, सारा दिन दरबार लगा हुआ है, आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं, वो जो शायर ने मंजर पेश किया है कि कोई आता है कोई जाता है, महफिल का रंग वही है, मेहमान बदलते रहते हैं, साकी की अनायत जारी है, या साकी की अनायत जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं, साकी तो बैठा हुआ उसका और कोई काम नहीं, मेहमान बदलते हैं, कभी वफूद आ रहे हैं, कभी एक सहाबी आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी कोई एक शिकायत आ रही है, कभी कोई दूसरा मसला आ रहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक ऐसा जिंदा ताल्लुक है कि जहां एक बंदा रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है, गुनाह से लदा हुआ आता है और जन्नत लेकर जाता है। तो ये जो कैफियत है ये खास माहौल है, और जो काम माहौल करता है वो इल्म नहीं करता। आप देखें जब हम कोई चीज बीजते हैं तो उसमें मौसम का बड़ा एहतमाम करते हैं कि फलां चीज फलां मौसम में बीजी जाए तो वो होती है, चीज वही हो जमीन भी वही हो, बीज आप बो दें तो वो उगता नहीं, इसलिए कि उसको वो माहौल नहीं मिला, वो वतर नहीं मिला, वो जमीन की गर्मी नहीं मिली, नमी नहीं मिली। इसी तरह एक बात एक माहौल में की जाए तो जो असर करती है वही बात आप सड़क पे कर दे तो वो असर नहीं करती। जब माहौल बनता है तो चीजें खुद ब खुद हरकत में आ जाती हैं। मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूं, आपको याद हो जानी चाहिए कि आप देखते हैं कि जब मौसम आता है सावन का तो आपकी टोकरियों में पड़े हुए लहसुन और प्याज के गंडे जो है वो उग पड़ते हैं, आपने जमीन में नहीं दबाया, जमीन वाला माहौल उनको घर के अंदर मिल गया, आपके किचन के अंदर, और उनमें हरकत पैदा हो गई। ये है माहौल का काम कि माहौल इंसान माहौल से मुतासर होने वाला बनाया गया, इसलिए इसको बुरे माहौल से बचने के लिए कहा गया कि तुम कितना भी इरादा करके जाओ कि मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जब तुम माहौल में फंस जाओगे तुम कर लोगे, मुझे पता है माहौल तुम पर असर करता है, मैं तुम्हारा खालिक हूं, अला यालमु मन खलक, खालिक ही नहीं जानेगा कि तुम्हारा मामला क्या है, लिहाजा मत करो। यह माहौल जो सहाबा के ईमान में इजाफा करता था, और उसका इकरार हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला ने जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि नाफ़का हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया है, और कहा कि अल्लाह के रसूल जब हम आपकी मजलिस में होते हैं तो हमारी कैफियत और होती है, जब हम घर बाल बच्चों में जाते हैं तो हमारी कैफियत और होती है, तो आपने फरमाया कि बस मकसूद यही है, इन्नहा या हंजला तो साअतन फसाअ, ऐ हंजला ये तो घड़ी घड़ी की दौलत है, अगर घरों में भी यही रहे तो तुम्हारा मुकाम तो बढ़ जाए, फरिश्ते बिस्तरों पर तुमसे मुसाफिया करें, लेकिन दुनिया का निजाम रुक जाए, निजाम ना चले, तो ये हर वक्त मेरी मजलिस में बैठना भी कोई मकसूद नहीं है, यहां से शमा जला और निकलो, दुकानों में जाओ, बाजारों में जाओ, खेतों में जाओ, खलियानों में जाओ, अदालतों में जाओ, काम करो, जाकर इस शमा को आगे ले जाओ। तो ये घड़ी घड़ी की दौलत, यानी उन्होंने फर्क महसूस किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में और होता है, घर में और होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस माहौल को थोड़ा सा हम भी चख लें। अच्छा, मुख्तलिफ मजाहिब ने इस चीज को महसूस किया है कि अगर इंसान को वो माहौल ना दिया जाए जिसमें ईमान में ज्यादती होती है, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमान,
तो ईमान की बढ़ोतरी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी नशो नमा के लिए एक माहौल चाहिए। अच्छा, उनके पास ये था कि कोई अथेंटिक वाकयात उनके अपने अंबिया के थे नहीं, तो उन्हें फिर गढ़ने पड़े। वो आप हर मजहब में देवमाला किस्म की कहानियां पढ़ते हैं, हमारे यहां भी सूफिया के किस्से वगैरह जो है वो इसी जरूरत को सामने रख के जो है वो गढ़े गए, स्टोरियां बनाई गई ताकि लोगों का ईमान बढ़े इन बुजुर्गों पर और इनकी दस्तरस पर। तो अब वो माहौल, चूंकि हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे वाकयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी तफसीलात जो है, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, सदियों पर मुहित उन हमारे साबिक ईमान वाले साथियों पर अपनी रहमतें नाजल फरमाए, जिन्होंने ये अहतमाम किया कि बड़ी मेहनत के साथ वो तमाम वाकयात जो है वो इकट्ठे कर दिए हमारे लिए कि हम जब चाहें हम उनके ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो जाएं। हम ये देखते हैं कि कुरान हकीम के अंदर कहीं तो छोटी सी बात पे बहुत बड़ी धमकी दी गई और कहीं दरे रहमत खोल दिया गया है। इन अल्लाह ला यग़फ़िर अन युशरका बिही व यग़फ़िर मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह पाक शिर्क तो नहीं माफ करे, हरगिज़ नहीं माफ करे, इसके अलावा जो कुछ जिसको चाहेगा माफ कर देगा। और ये जो बात है कि माफ कर देगा का मतलब ये है कि फिर ज़ाहिर इंसान सिर्फ अल्लाह का मुजरिम नहीं है ना, वो तो इंसानों का भी मुजरिम है, तो फिर वो सारी चीजें अपने सर ले ले, वो सारे चालान दीवान अदा करेगा, कहेगा इस बंदे को छोड़ दो। अब बाज लोग हम पढ़ते हैं, आज भी हम हदीस सुनेंगे कि अल्लाह पाक ने उसको आग पर हराम कर दिया। अच्छा, आग पर वो बंदा हराम हो गया है तो काम तो उसने बहुत सारे किया क्या, उसने आंसू जो है वो उसकी आंख से निकला अल्लाह के डर से, तो कहा कि बस अल्लाह पाक ने जो ही उसके उस आंसू ने जो कि मक्खी के सर के बराबर था उसके चेहरे की जिल्द को छुआ, अल्लाह ने वो जिल्द आग पर हराम कर। अच्छा, आग पर हराम हो गई, बंदे ने सिर्फ रोया ही नहीं है ना, और भी बड़े कारनामे किए हुए, उनका क्या बनेगा। कहा कि अब चूंकि ये बात तो जिसको कहते हैं ना कि नाकाबले तफावत है, इस पे मुफावजात नहीं हो सके, नेगोशिएशन नहीं हो सकती, नॉन नेगोशिएबल है, ये बंदा आग में तो नहीं जाएगा। बंदे हजार खड़े हैं जिनके मसाइल हैं उसके साथ, किसी की गीबत की है, किसी की चुगली की है, किसी का हक खाया है, तो अब क्या करना है। कहा जाएगा कि बंदा, ये बंदा आग में नहीं जाएगा, ये मैंने तय कर दिया, अब रह गए तुम्हारे मसाइल, इसे माफ करते जाओ और जन्नत में जाते जाओ। तो ये जो मामलात हैं, जब अल्लाह पाक ये कह देता है तो फिर वो खुद मामलात को हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि तो उसने तो हमारे भी पैसे खाए हुए, तो उनका क्या बनेगा, मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जब अल्लाह पाक ले लेगा अपने जिम्मे तो वो हल निकालेगा इस चीज का। तो इसी तरह फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ऐ गुनाहों में डूबे हुए मेरे बंदो जो अपनी जान पर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, यह सबसे बड़ा गुनाह है, इसलिए कि यह कुफर है। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल क़ौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही गुमराह मायूस हो सकता है, मोमिन की उम्मीद लगी रहती। इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअ, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। अब ये जो अंदाज है, ये अंदाज बगावत भड़काने वाला नहीं, जाओ जाके अल्लाह की नाफरमानियां करो, बल्कि जो नाफरमानियां कर चुके हैं उनके लिए पलट कर आने का रास्ता खोला जा रहा है। ये एग्जिटेस को क्लिक करो, सारे गुनाह झड़ जाएंगे, तुम ऐसे हो जाओगे जिस तरह मां के पेट से निकले। वो बंदा हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं अहदीस कुदसिया में, जिससे 99 कत्ल हुए थे। मौलवी साहब से मसला पूछा, वो मैथ के मौलवी साहब थे, उन्होंने हिसाब किताब लगाया और उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता भाई साहब,
एक कत्ल जो है वो इतना बड़ा जुर्म है और तुमने 99 किए हुए हैं, तो ये मुंह और मसूर की दाल, अब तुम आए हो तौबा करने भी, 99 कत्ल लेकर नहीं हो सकता। उसने वो मौलवी साहब भी मार दिए कि किसी और को मायूस ना करे, 100 हो गए। लेकिन वो नदामत का जो शोला था उसके अंदर और जो तलब थी पलट कर आने की, वो बुझी नहीं। फिर वो किसी मौलवी साहब के पास गया। अब वो मौलवी साहब मैकेनिक थे, आप देखते हैं ना मैकेनिक जो होता है वो एक चीज फिट ना है दूसरी ट्राई करता है, दूसरी ना है तीसरी ट्राई करता है, तो कुछ ना कुछ कर लेता है, ना हो तो तार डाल के प्लास से बांध देता है। तो मौलवियों में भी ये किस्में होती हैं। तो उसने कहा क्यों नहीं भाई, जब तुम पलटना चाहते हो अल्लाह कबूल करना चाहता है तो तुम दोनों के दरमियान हायल कौन हो सकता है। जब अल्लाह ने मरने से पहले दरवाजा खुला रखा हुआ है और तुम पलटना चाहते हो तो ये गुनाह हमारे लिए तो बड़े हो सकते हैं लेकिन अल्लाह के लिए कुछ नहीं। अल्लाह पाक ने कहा नहीं कि जमीन आसमान भर के गुनाहों से ले आओ, तुम मेरी रहमत को उससे वसी पाओगे, बस पलटाओ। तो उसे कहा कि अल्लाह पाक तुम्हारी तौबा तो कबूल कर लेंगे लेकिन तुम ये माहौल छोड़ दो। देखिए माहौल की बात हो रही, तुम ये माहौल छोड़ दो, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुम बड़े नेक आदमी हो, तुम इतनी दलदल में धंस के भी तुम निकलने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे अंदर एक साले शख्स मौजूद है लेकिन ये जो गांव वाले हैं बस्ती वाले हैं ये उसकी कदर नहीं करते और तुम फिर उस पर रिएक्ट करते हो, तुमसे कत्ल हो जाता है, तुम जाओ अल्लाह वालों की बस्ती में चले जाओ, फलां जगह सारे अल्लाह वाले रहते हैं, कोई लेन देन नहीं है, हर कोई अपनी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वहां जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है, कोई और मसला नहीं है, तुम उनमें चले जाओ। और वो निकल पड़ता है और रस्ते में मौत आ जाती और जन्नत में चला जाता। वाकया चूंकि आप सुन चुके हैं बारह, इसलिए मैं उसकी तफसील नहीं बयान करता। तो अल्लाह पाक ने उसको माफ कर दिया। इसी तरह वो बंदा जिसने अपने बच्चों से कहा कि मैं जब मर जाऊं तो फिर मुझे जला देना और मेरी राख को बखेर देना, अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह ने पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, मैं बड़ा गुनाहगार हूं। और फिर हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने उसको इकट्ठा कर लिया। सुना भाई ये तुमने क्या हरकत की है? उसने कहा जी मैं और क्या करता, गुनाहगार भागता ही है ना, मैं गुनाहगार था, जो मैं कर सकता था भागने के लिए वो मैंने किया, अगरचे मैं ये यकीन रखता था कि तू मुझे पकड़ लेगा लेकिन बहरहाल भागना मेरा काम था, मैं तुझसे नहीं भागा था, मैं अपने गुनाहों से भागा था। अल्लाह पाक कहेंगे डर गया बस चलो, अब दो डर इकट्ठे नहीं हो सकते, और बख्श दिया। तो कुरान हकीम में भी हमें ये चीजें मिलती कि एक तरफ तो डराया जाता है और एक तरफ उम्मीद दिलाई जाती है, बड़े 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 गुनाहों को माफ करने की नवीद सुनाई जाती है। अच्छा अहादीस में भी यही है, और युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इसके जरिए बहुत सारे भटक जाते हैं बहुत सारे हदायत पर आ जाते हैं। गुनाहगार इस चीज को समझता है कि ये क्यों कही गई, ये मेरे लिए, ये मुझे समझाने के लिए। जो तबीयत के कज लोग होते हैं, बहंगा ना बहंगा, वो जिस चीज को भी देखता है उसे टेढ़ी नजर आती है, टेढ़ उसके अपने अंदर होता है चीज में नहीं होता। तो उनको जिसका मतलब यह कि फिर जो मर्जी है करें। अभी आपने सुनी है चंद अहादीस बख्शिश की, आपके जहन में ये ख्याल आया कि जो मर्जी है करें? कभी नहीं। सलीम उल फितरत शख्स में ये बात कभी आ ही नहीं सकती कि चूंकि अल्लाह मोहब्बत करता है अल्लाह माफ कर देता है लिहाजा दब के करो, ये उसी शख्स के अंदर आ सकती है कि जिसकी तबीयत ही कज है, सोच टेढ़ी, सॉफ्टवेयर ही उसके अंदर करप्ट। बाज दफा नेक बंदों को ये तकलीफ होती है कि यार ये हम तो सारी जिंदगी पैदा ही सजदे में हुए थे और जब शीशे में देखा तो दाढ़ी समेत ही अपने आप को देखा हमने,
और सारी जिंदगी मुशक्कतें कर करके जन्नत में जाएंगे, ये मौलवी क्या दी सुना रहा है कि जी बस छक्का लगा बंदे का और जन्नत में चला गया, तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है। ये बिजनेसमैन होते हैं, नेक नहीं होते, ये समझते हैं कि ये जन्नत अपनी कमाई से अपनी नमाजों के जरिए खरीद रहे हैं, और ये गलत सोच है। जन्नत हमारे अमाल का नतीजा है ही नहीं, ना नेकी जन्नत के लिए करनी चाहिए, नेकी सिर्फ रब को खुश करने के लिए चाहिए। जब रब खुश हो जाता है तो वो फिर जन्नत का तज़करा करता है कि जिससे मैं खुश हो जाता हूं उसके मैं फिर ऐसी जन्नत देता हूं जिसमें दूध की नहरें बहती हैं, वो पानी जो कभी खराब नहीं होता, वो शराब जो कभी बकवास पर बंदे को आमादा नहीं करती, सर का दर्द नहीं होता, और शहद की नहरें। ये नतीजा नमाज का नहीं है, ये नतीजा अल्लाह की रजा का है। हमारा मोटिव जो है, हमारा टारगेट जो है, वो होना चाहिए रजाए रब। जब रब राजी हो जाएगा तो उसके बाद बाकी चीज। अब हमने देखें, वालिद जब बेटे से कहता है कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, तो उसके कहने का मकसद ये था कि तुम मुझे राजी कर दोगे उसके नतीजे में ये दूंगा। वो चीज जो है वो उसके बाप की रजा का नतीजा है। कोई बाप थोड़ा दे सकता है, कोई ज्यादा देता है, लेकिन असल चीज बाप की रजा होती है। इसलिए फरमाया वा रिज़वानुम मिन अल्लाह अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ा हदफ है जिस पे कमंद डालनी चाहिए। जब रब राजी हो जाएगा तो फिर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिर हम तुम्हारी फिक्र खुद करेंगे। लकुम फिया मा तश्तही अनफुसुकुम, फिर तुम्हारी चाहतों को हम देखेंगे कि इस बंदे की क्या क्या चाहत है, उसे कैसा माहौल चाहिए, हम वैसी जन्नत बनाएंगे जैसी तुम्हें चाहिए। तो वो माहौल क्या असर करता है। सैयद मनाजर आसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलम गुजरे हैं ये। पहले इन्होंने यूं समझ लें कि फलसफे में इन्होंने मास्टर किया, और देवबंद को ये बड़ी हकारत की नजर से देखा करते थे कि वो ऐसी कोई टूटी फूटी को दरसगाह है, जहां सुना है कि मौलवी बान की चारपाइयों पे बैठे हुए दर्श देते रहते हैं, वो भी क्या कोई मदरसा है। यानी ये पहले इनका ख्याल था। यहां से फारिग होने के बाद उन्हें देवबंद जाने का इत्तेफाक हुआ कि चलें वहां भी चलते हैं, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। और वो भी कहते हैं कि एक वाकये की वजह से हुआ कि ये जो दारो नदवा है हमारे, ये नदवी साहब जहां से ताल्लुक रखते हैं, तो ये नदवी हजरात का अपना इस्लाही हुई। वहां एक मौलवी साहब से किसी ने मसला पूछा कि मौलवी साहब ये जो लोग ताजिए निकालते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, तो इनको तोड़ना फोड़ना जायज है। तो उनका कि रस्म तो गलत है, गैर शरई है, लेकिन उसको तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि उस पे नाम जो है वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लग गया है, और जाहिर है नाम उनका लग गया तो अगर आप उसको तोड़ो फोड़ोगे तो उसकी इंसल्ट होगी फिर उनकी। आप में से बहुत सारे साथियों ने सारे लाया कि वाकई सही बात की है मौलवी ने। वो जिस बंदे ने मसला पूछा था उसने कहा कि मौलवी साहब मैं जब भी यहां बैठता हूं तो देवबंद के बारे में यहां लोग जुमले कसते हैं, मैं देवबंद के मौलवियों की मजलिस में बैठता हूं जैसे मैं आपकी मजलिस में बैठता हूं, मैंने कोई इल्म हासिल नहीं किया वहां से, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि देवबंद क्या है। यानी मैं वहां का आलिम नहीं, मैं उन उलमा की जूतियों में बैठने वाला बंदा हूं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि वो जो बछड़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाया था उस पर किसका नाम लगा हुआ था? खुदा का नाम लगा हुआ था। इंसल्ट होगी खुदा की कि नहीं?
मूसा अलैहिस्सलाम को संभाल के रख लेना चाहिए था, फिर था भी सोने का यार। वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़े थे उन पे किसका नाम लगा हुआ था? ये बात आपने क्या की है कि नाम इमाम हुसैन का लग गया है, तो अब उनकी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, तो फिर उनका तवाफ होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि मेरे दिल में तमन्ना उठी कि यार वाकई अगर इस बंदे का ये हाल है तो वो मौलवी कैसे होंगे, चल के देख ही आते हैं क्या जाता है। इन्होंने वहां दाखिला लिया। उन जो अरसा उन्होंने वहां निकाला उन वाकयात पे मबनी एक किताब उन्होंने लिखी है, दारुल उलूम में बीते हुए चंद अय्याम, शायद इस्लामी सकाफती मरकज से आपको वो मिल जाए, आप जरा पढ़िएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब मुफ्ती हिंद हुआ करते थे, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इकट्ठे होते थे, तो ये सारा हिंदुस्तान ही कहलाता था। उनके बारे में वो लिखते हैं कि वो मुफ्ती हिंद थे, गली गली उनके बड़े गलगले थे, लेकिन उनकी हालत ये थी कि हर रोज असर के बाद वो थैले लेके निकला करते थे बाजार में, बेवाओं के, किसी में धनिया रखा है तो किसी में मोटी मिर्च रखी हुई है तो किसी में प्याज रखा हुआ है तो किसी में शलजम रखा हुआ है, और वो थैले उठाए हुए बाजार से सौदा ले, यानी उनकी सादगी का ये आलम था। और यही मैंने आपको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल होता था कि आप जब बाजार जाते थे अपने काम से तो शुहदाए ओहद की जो बेवाएं थी उनके भी सामान के लिए फिर आप पैसे ले लेते थे, थैले ले लेते थे और सौदा लेके आते थे। बहुत बड़ी बात, ये इंकसारी का एक अंदाज। उनके बारे में कहते हैं कि मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब जमात करवा रहे थे और मैं भी कभी कभी उनके पीछे पढ़ लिया करता था, तो वो कोई खास तकल्लुफ नहीं करते थे लेकिन तजवीज का ख्याल रख के पढ़ा करते थे, यानी तजवीज में कोई गलती नहीं होती थी। लेकिन वो जो तकल्लफ हमारे यहां करते हैं, अभी अगर कोई कारी पाकिस्तानी कारी पढ़ रहा हो ना तो आप उधर ना भी देखें, उसके पढ़ने से पता चल जाता है कि ये कोई पाकिस्तानी है या इंडियन है। हम ऐन इतनी मरोड़ के निकालते हैं, कभी कभी निकालते हैं ना, तो अरब तो चूंकि हर वक्त बोलते ही रहते हैं, तो इनकी ऐन जो है वो काफी ढीली डाली होती है, मतलब ये कि वो स्लिपरी होती है, झट गले से निकल जाती है, हमारी ऐन बड़ी फंस के निकलती है। तो पता चल जाता है कि ये तकल्लुफ किया जा रहा है उसको खूब। कहते तो नॉर्मल नमाज पढ़ाया करते थे, नमाज उन्होंने, हम लोग नमाज उनके पीछे पढ़ रहे थे, गालबन मगरब की नमाज का उन्होंने जिक्र किया। तो मुफ्ती शब्बीर अहमद उस्मानी कहते हैं कि वो ताज़ा ताज़ा फारग हुए थे, रमज़ान का महीना था, तो तिलावत में उन्होंने, हम भी सारे खड़े थे, तिलावत उन्होंने शुरू की और जब वो इस आयत पे पहुंचे, सूरह इब्राहिम की ये आयत है, यौमा तुबद्दल अल-अर्द गैर अल-अर्द वस्समावात वबरजु लिल्लाह अल-वाहिद अल-कहार وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار। इंसानियत उस दिन खुल के अपने सर चश्मे हयात के सामने सर झुकाए खड़ी होगी, जमीन बदल दी जाएगी दूसरी जमीन के साथ, रिप्लेस होगी, नई जमीन होगी, उनके लिबास गंदक के होंगे और आग ने उनके चेहरों को लपेट में लिया हुआ होगा, मुजरम बांधे हुए खड़े होंगे उसके सामने। कहते हैं कि उन्होंने जब ये पढ़ी आयत हुआ बाराजो लिल्लाह अल-वाहिद अल-कहार, अब जो पीछे खड़े हैं वो सारे भी उलमा हैं क्योंकि ये देवबंद की मस्जिद है। कहते हैं कि मुझे यूं लगा जो ही उन्होंने ये आयत पढ़ी हुआ बाराजो लिल्लाह अल-वाहिद अल-कहार, तो यूं पता चला कि सारी दुनिया के हिजाब हट गए हैं और हम मैशर में खड़े हैं रब के सामने। कहते थोड़ी देर तो मैंने जब्त करने की कोशिश की लेकिन उसके बाद मेरी चीख निकल गई और मैंने समझा ये मेरा हाल है, लेकिन जब मैंने उस शब्बीर अहमद उस्मानी साहब को चीख मार के गिरते देखा और पूरी सफ की हालत देखी तो पता चला सब मैशर में खड़े।
और आहें निकल रही थी और रोने की आवाजें, और फिर सारे साथी जो है वो दौड़ कर गए और जाके वजू करके बना के आए, और मुफ्ती साहब जो है वो इन आयात को उन्होंने तिलावत जब वो रिपीट कर रहे हैं, और फिर जब सब लोग वजू करके आके उनके पीछे खड़े हुए तो उन्होंने तिलावत आगे चलाई। अब हुआ क्या, मुफ्ती साहब जब ये आयत पढ़ते थे तो वो रब के सामने खड़े होते थे, उन्होंने उसे फॉरवर्ड कर दिया पीछे, माहौल बना होता है रमजान का महीना, पीछे जो खड़े हैं वो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। एक तो ये होता है कि इमाम तो समझ रहा है, मुक्तदी सारे पीछे जल्ले, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ा जा रहा, तो इमाम को भी इतना मजा नहीं आता। पीछे अरबी खड़ा होना और पता हो कैसे समझ लग रही है कि अल्लाह क्या कह रहा है, तो आवाज ही मौलवी की बदली हो जाती, पता चल जाता, मजा आता पढ़ने में कि मैं पढ़ रहा हूं और कोई समझने वाला समझ भी रहा है। तो उन्होंने आप अंदाजा कर लें, एक बंदे की यह होती है कुव्वत ख्यालिया कि उनका ख्याल इतना कवि था रब के हुजूर, वो जो मायत है अल्लाह की, अल्लाह मेरे साथ, बंदा दुकान में खड़ा है, वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हाल था ना कि मेरा रब ये है, मैं रब के सामने, ये क्या कह रही हो तुम, बंदा नहीं तो फिर कम नहीं तोलता, झूठ नहीं बोलता, मेरा रब मेरे साथ खड़ा, ये ख्याल इतना कवि हो, मैं मैशर में रब के सामने खड़ा हूं। उन्होंने इस ख्याल को पिछलों को भी दिखा दिया, ये होती है कुव्वत ख्यालिया। मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों ने क्या किया, एक ख्याल किया कि ये रस्सियां नहीं सांप हैं, वो ख्याल उन्होंने लोगों को भी दिखा दिया, ये कुव्वत ख्यालिया। इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो ये, नेगेटिव करें तो फिर उनके जादूगर निकल आते हैं, पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो मुफ्ती अजीज रहमान साहब निकल आते हैं। यानी इमाम खुद रब के सामने खड़ा हुआ है तो दूसरों को लेके गया है ना वहां। अगर इमाम भी दुकान का हिसाब कर रहा है तो मुक्तदी भी वही करेंगे ना, मुक्तदियों के साथ भी यही मामला होगा। तो माहौल ये काम करता है। कुरान हकीम आप पढ़ें और आप अगर समझ रहे हैं उसको तो एक माहौल बनता चला जाता है, बंदा ट्यून होता चला जाता है, जैसे FM को करते हैं ना, और कहीं जाके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप ट्यून, ये है फाइन ट्यून है। जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं ना तो ट्रांस टूट जाती है, पहले आयत पढ़ी फिर नीचे तर्जुमा पढ़ा, खत्म हो गई बात कहां, तर्जुमे में वो बात होती कहां। एक तो ये कि जो अल्लाह के कलाम की गिरफ्त है वो खत्म हो गई, और जो काम होना चाहिए था, जिस सतह पे ला के आपसे एक हुक्म मनवाना मकसूद होता है, आप उस जगह आते ही नहीं और गेयर स्लिप कर जाता है, यही होता है। तो इल्म में अजाफा हो जाता है, इससे अमल में नहीं होता, अमल माहौल चाहता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने साथियों से भी जिक्र किया था कि हुजूर का दरबार भी अजीब दरबार था, कि लोग पकड़ पकड़ के लाते थे कि ये मुजरम है, और वो जन्नत लेकर वापस जाता था। लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल एक साहब थे, वो सूरह इखलास कुल हुवल्लाह अहद पढ़ा करते थे हर रकत में, अगर कोई और सूरत भी पढ़ते थे तो साथ ये सूरत जरूर मिलाते थे। तो उन्होंने कहा भाई या हमारी इमामत छोड़ दो या ये हरकत छोड़ दो, तुम सीधे तरतीब के साथ सूरतें पढ़ा करो। उन्होंने कहा जी मैं तुम्हारी इमामत तो छोड़ सकता हूं मगर मैं ये काम नहीं छोड़ सकते। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए कुबा में, ये कुबा के की बस्ती में कोई साहब थे। अब उन्होंने शिकायत पेश की कि अल्लाह के रसूल ये बंदा जो है ये हर रकत में कुल हुवल्लाह पढ़ता है, और अगर और कोई सूरत पढ़े भी तो साथ वो वाली जरूर पढ़ता है, अकेली वो नहीं पढ़ता। आपने बुलवाया उसे और पूछा कि भाई ये तुम क्यों करते हो, कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे सूरत से मोहब्बत है। आपने फरमाया जाओ, इस सूरत की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले गई। अब देख रहे हुई शिकायत है, सर्टिफिकेट जन्नत का मिल गया है, ये दरबार है ना। बंदा आया है, अपना गुनाह पेश किया है,
हुजूर ने उसे चार दफा वो कलमा कहलवाया है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़म्बी, ऐ अल्लाह तेरी मग़फ़िरत तेरी बख्शिश मेरे गुनाह से बड़ी है वसी है, व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली, और मुझे अपने अमल से ज्यादा तेरी रहमत पर उम्मीद है। चार दफा हुजूर ने उसे रिपीट करवाया और फरमाया कुम कद गुफिरा लक, जा तेरी बख्शिश कर दी गई। बंदा आता है और मसला पूछता है, हुजूर मसला बताते हैं और वो कहता कि अल्लाह के रसूल उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया है, मैं ना कभी इसमें कोई कमी करूँगा ना ज्यादती करूँगा। पलट के चला है तो हुजूर साहबा से कहते हैं ज़मीन पर चलता वो जन्नती किसी ने देखना है तो इसको देखो। यानी अजीब माहौल था। तो उस माहौल में नेकी बड़ी आसान हो जाती है। इंसान माहौल में बड़े बड़े फैसले कर लेता है। माहौल से निकलकर फिर सोचता है कि मैंने ये कैसे कर लिया था। आज चंद अहादीस है इंशाल्लाह उनका तर्जुमा पढ़ते हैं। हजरत अबी जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, आप फरमाते हैं अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि सौबुन अबयदुन व हुवा नाइम, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और आप सोए हुए थे। अब ये तफसील बताना उनके प्यार और उनकी मोहब्बत को जता रहा है, इतनी तफसीलात बयान करना, मैं आया तो आप सफ़ेद कपड़ों में थे और सोए हुए थे। सुम्मात ही तो हूँ वक़द इस्तेखाज, फिर जब मैं आपके पास आया तो आप जाग चुके थे, तो आपने फरमाया فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك, कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और फिर इसी पर मरे, इल्ला दखल अल जन्नत, मगर यह कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। قل تو وان زنا وان سرق, मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल अगरचे उसने जिना किया और अगरचे चोरी की, قال صلى الله عليه وسلم وان زنا وان سرق, अगरचे उसने जिना किया हुआ हो और उसने चोरी की हुई हो। قال قل تو وان زنا وان سرق, मैंने फिर कहा कि अगरचे उसने बदकारी की हो और उसने चोरी की हो। قال وان زنا وان سرق, हुजूर ने फिर फरमाया कि अगरचे उससे जिना सरजद हुआ हो या उससे चोरी हुई हो। काला इन जना व इन सरक, तीसरी बार फिर पूछा बुजुर्ग, हुजूर मैं ये कह रहा हूं कि अगरचे उसने जिना किया और चोरी भी हुई हो उस। काला व इन जना व इन सरका व अला रग्म अन्फ अबी जर, हाँ अगरचे उसने जिना भी किया हुआ हो और उसने चोरी भी की हुई हो फिर भी जन्नत में जाएगा अगरचे अबू जर को कितना नागवार गुजर रहा हो। हुजूर को पता चल गया कि ये जो तीन बार पूछ रहा है ये इतराज कर रहा है कि इतना बड़ा गुनाह और फिर जन्नत। आपने फरमाया अगर अबू जर को तकलीफ हो रही है तो होती रहे मगर वो जन्नत में जाएगा। وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم انس رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ومعاذ ردیفه على الرحل, حضرت معاذ خود کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا इस हाल में कि हुजूर के और मेरे दरमियान सिवाय रहल के और कोई चीज़ नहीं थी, यानी हम दोनों ही थे आगे पीछे बैठे हुए, और ये जो चीज़ है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकिसारी को साबित करती है कि पीछे किसी को बिठा लिया, कभी फजल को बिठा लिया, कभी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को बिठा लिया, कभी उसामा इब्ने ज़ैद को बिठा लिया, कभी मुआज़ को बिठा लिया,
आपको पता है हमारे यहाँ तो ये तरबियत दी जाती है कि सफीर साहब जो है वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर नहीं बैठेंगे, हमेशा पीछे बैठेंगे ताकि बराबरी ना हो जाए। ब्यूरोक्रेसी को ये सिखाया जाता है कि तुम इनके बराबर नहीं हो, वहां वो साथ बैठाया जा रहा है। काला या माज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माज कुल तो लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक। आपने जवाबन ये कहा हजरत माज ने कि मैं हाजिर हूं अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको सदा खुश रखे। हुजूर खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया या माज, इन्होंने फिर कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक। हुजूर फिर खामोश हो गए, उसी कैफियत में चले गए। फिर तीसरी बार आपने फरमाया या मुआज, आपने फिर फरमाया लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक। आपने फरमाया मुआज मा मिन अहद यशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूल अल्लाह, कोई बंदा ऐसा नहीं जो ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सिदकन मिन कल्ब ही, अपने दिल के सिद्क के साथ, जुबान के साथ नहीं, दिल उसका साथ दे। असल में कहते ईमान कहते उसके हैं कि दिल की कैफियत को जुबान बयान करती है। अगर जुबान बयान कर रही है झूठ मूठ, जैसे बंदा बीमार नहीं होता कहता मास्टर जी मैं बीमार हूं जी, वो मर गया जी, पेट में दर्द है जी, पता नहीं क्या गुर्दे का दर्द शुरू होगा, मास्टर साहब ने स्कैनर तो रखा हुआ कोई नहीं। इस तरह बंदा कह दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नहीं, सिदके दिल से। ये जो जिसे हम कलमा पढ़ना कहते हैं ना, ये कोई जंतर मंतर नहीं, एक जू ही आपने पढ़ा तू ही जनाब कोई नतीजा निकल आया। ये दिल की कैफियत का बयान है। अगर दिल की वो कैफियत है जो जुबान कह रही है, आपका दिल गवाही दे रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो आपकी जुबान ने सच कहा। जुबान इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, मुकम्मल हो गया आपका ईमान, मुकम्मल हो गया। ये एक खबर है, जैसे बिजली जाती है तो बंदा दरवाजा खोल के सब की मोहल्ले में देख के कहता नहीं है सारे दी गई है। ये खबर है, ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये खबर है, और मैं उस खबर की गवाही दे रहा हूं। सिदकन मिन कल्बिही, अपने दिल की सदाकत, अपने दिल की कैफियत सच्ची बयान करते हुए कि मेरा दिल ये कह रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। अब अगर ये इलाह की हमें समझ लग जाए कि जिससे नफे की उम्मीद रखी जाए, नुकसान का डर रखा जाए, जिससे हर तवक्को वाबस्ता की जाए, ये सारी चीजें अगर हम करते किसी और से हैं, कलमा उसका पढ़ रहे हैं और जाके पत्थर चाटते हैं, दरख्तों से के नीचे हम झोली फैला के खड़े होते हैं कि पत्ता गिरेगा पूरा गिरेगा तो बेटा होगा, कटा हुआ गिरेगा तो बेटी होगी, तो फिर उस ला इलाहा इल्लल्लाह में जोर कोई नहीं है। ये सिदकन मिन कल्ब ही नहीं है, वो ये वाला अब्दुल्लाह इब्ने उबै ने बहुत पढ़ा हुआ है। सिदकन मिन कल्बिही इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार, कि अल्लाह उसको आग पर हराम कर देता है, उस बंदे को आग पर हराम कर देता है कि आग और ये बंदा इकट्ठे नहीं हो सकते आपस में। कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अफ़ा उखबिरु बिहिन्नास फयस्तबशिरु, मैं लोगों को यह बात बता ना दूं ताकि वो खुश हो जाएं। काल इजन यत्तकिलु, आपने फरमाया फिर तो वो बैठ ही जाएंगे कि चले जी कलमा पढ़ने से। समझने वाले कुछ ऐसे भी अकलमंद होते हैं ना, जब कलमा सिद्क का होगा ये कह देना कि सिदकन मिन कल्ब ही, तो फिर नमाज रोजा जकात हज सदकात खैरात ये सारी चीजें उस सिद्क के साथ जुड़ी हुई। जैसे कोई बंदा कहता है कि अगर बिजली सच्ची आ गई है ठीक है, तो फिर
फिर उसे ये कहने की जरूरत नहीं कि अब एसी भी चलेंगे, अब लाइटें भी जलेंगी, अब पंखे भी चलेंगे, अब जनाब आपका कंप्यूटर भी चलेगा। अगर सच्ची बिजली आई है तो फिर तो ये सारे काम उसे कहने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये सारे काम बिजली करती है। और अगर वो कह रहा है कि बिजली है और आपके पास बटन है, आप फिर दबा के कहते हैं कि बेकुल है तेरी बिजली कितने भाई। वो फिर कहता अब्बा बिजली आई है, वो फिर बटन दबा के कहते तेरी बेकुल है बिजली कितने है। फरिश्ते यही कहेंगे कि अहमद के दिन ईमान कितने भाई। और ईमान हो तो अल्लाह के दरबार में ना लेकर आए, इसके आगे झोली ना फैलाए, दुख दर्द से ठीक ना करवाए। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा था मछली के पेट में, इस तरह उसको ना पुकारे। जिस तरह इब्राहिम ने आग में पुकारा था, इस तरह ना पुकारे। जिस तरह यूसुफ ने कुएं में पुकारा था, इस तरह ना पुकारे। मसला अगला यह है कि अगर सिद्क है तो फिर वो सारे काम जो ईमान करवाता है वो उसे खुद ब खुद सादर होंगे, अगली बात कहने की जरूरत ही नहीं। और जितनी उधर कमी होगी वो कमी वहां नहीं होगी, वो कमी यहां होगी, ईमान में होगी। मसलन बिजली आ तो रही है, वो पंखा भी चला रहा है, वो लाइट भी जला रही है, मगर वो फ्रिज नहीं चलाती, पानी वाली मोटर नहीं चल रही, एसी नहीं चल रहा। पता चला कि इतनी सारी खबर तो सही है कि बिजली है, लेकिन ये बिजली अब्दुल्ला इब्ने उबई वाली है, अबू बकर सिद्दीक वाली नहीं है। ये काम तो करवा देती है मगर ज्यादा लोड नहीं लेती। वो ईमान के जो वो काम तो करवा दे छोटे मोटे, ज्यादा लोड ना ले, वो वाला ईमान है। उस ईमान की बारी बड़ी देर से आएगी। ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस बुखारी और मुस्लिम की। अच्छा, हुजूर ने जब उनसे कहा कि फिर कुछ अकलमंद टेक ही लगा के बैठ जाएंगे, यानी ये बात समझे बगैर कि जब अल्लाह कह रहा है कि ईमान, तो फिर उसका मतलब क्या है? लोग यही ले लेंगे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मकसूद है, तो फिर वो बैठ ही जाएंगे टेक लगाकर। तो उन्होंने रोक दिया। फअखबरा बिहा मुआज़ इंदा मौत ही तअस्सुमन। अब जब इनकी नज़ा का वक्त आया हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, तो आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम अगर मेरे मद्दे नज़र वो हदीस न होती कि जिसमें हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी के पास इल्म है और उसने उसे छुपा लिया है, लोगों को बताया नहीं है, तो क़यामत के दिन उसे आग की लुगाम पहनाई जाएगी। अगर मुझे इस हदीस का डर ना होता तो मैं ये बात तुम्हें कभी ना बताता। फिर उन्होंने ये बात कोट की, और ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास तीमारदारी के लिए गए हुए थे और ये उस वक्त वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने फिर इसको रवायत किया कि मुआज़ ने फिर ये बात मौत के वक्त तअस्सुमन गुनाह के डर से कि कहीं ये इल्म छुपाने का मुझे गुनाह ना हो, उन्होंने ये बात बताई। मुसनद अहमद जो है उसमें वो रवायत करते हैं यही वाकयन से कि हुजूर ने फरमाया मन लकी अल्लाह ला युशरिक बिही शैयन व युसल्लिल खमसा व यसूम रमदान गुफिर लहू, कि जिसने अल्लाह से इस हाल में मुलाकात की कि उसने शिर्क ना किया हुआ। शिर्क बहुत बड़ा वबाल है, वो जट जाता है बड़ा ईजी, लेकिन इसका वबाल यह है कि यह ब्लैक होल है, यह आपका ईमान भी खा जाता है, अमाल भी खा जाता है, रब से उम्मीद टूट जाती है। चूंकि अल्लाह पाक ने एक ही सूरत में दो दफा बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिह, ये नॉन निगोशिएबल है, ना किसी की शिफात कबूल की जाएगी, ना सिफारिश कबूल की जाएगी, ना कोई और चीज है। यह बात तो है ही नाकाबले मुफावजात है, इस पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिह व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, ये दो दफा सूरह निसा में फरमाया, फिर सूरह मायदा में फरमाया कि ये बात ईसा अलैहि सलाम ने भी अपनी कौम से कही थी कि इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाह अलैहि जन्ना, उसका जन्नत में दाखिल। जैसे कहा ना कि जो मुशरिक नहीं है, अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखता है, उसको आग पर हराम कर दिया है। फरमाया मुशरक को जन्नत पर हराम कर दिए।
बाकी गुनाहों का मसला उम्मीद है अल्लाह पाक माफ कर देगा, होते हैं कि ये चालान ये चालान ये चालान माफ हो सकता है, लेकिन ये कि अगर रेड सिग्नल जंप किया है तो अब हम तुम्हें देखेंगे। तो ये वो चीजें हैं कि जो रेड सिग्नल जो है वो शिर्क, अगर वो इस हाल में मुलाकात करे, शिर्क ना किया हो, पांचों नमाजें पढ़ता हो, रमजान के रोजे रखता हो, गोफिर अलहू, उसके लिए बख्श दिया गया। तो यहां क्या बख्श दिया गया, भाई नमाज रोजा तो वो कर रहा है, अल्लाह पर उसका ईमान भी है, तो गोफिर अल्लाह क्या गुनाह, उसके गुनाह अल्लाह अपने जिम्मे ले लेगा। यानी ये कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह ये कहे कि इसके सारे चालान जो भी इसने किया है, जिसने भी क्लेम करना है दीवान में क्लेम करे, इस बंदे को छोड़ दो मेरे लिए, यह बड़ी बात है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع, कोई बंदा ऐसा बंदा कि अल्लाह के डर से, उसने अकेले में अल्लाह को याद किया, अपने गुनाहों को याद किया जो हुआ था, और उसकी आंखें भर आईं आंसुओं से, व इन कान मिसल रास ज़ुबाब, अगरचे वो मक्खी के सर के बराबर, मक्खी का सर कितना होता है, मिन खशियतिल्लाह सुम्मा युसीब शैयं मिन हुर्रिन, फिर उस पानी में से कोई चीज उसकी जिल्द को छू जाए, वो बहा नहीं है बल्कि वो नमी तुम्हारे चेहरे की जिल्द ने महसूस कर ली कि मेरी आंखों में पानी आया, इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन्नार, मगर अल्लाह उसको आग पर हराम कर देता है। ये है अल्लाह, ये अल्लाह की बात हो रही है, जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है वो हमें बख्शने पर मजबूर नहीं है, वो हमें बख्शने पर मजबूर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कयामत बपा होगी तो अल्लाह पाक आदम अलैहि सलाम से कहेंगे कि उठ और अपनी औलाद में से जहन्नम के लिए अलग कर और जन्नत का हिस्सा अलग कर, और वो पूछेंगे कि अल्लाह मैं कितने अलग करूं, तो अल्लाह कहेगा कि 1000 में से 999 जहन्नम के लिए। तो आदम गिर पड़ेंगे, औलाद है ना उनकी, बाप है ना, तो आदम अलैहिस्सलाम गिर पड़ेंगे अपने कदमों पर ये सुनकर ही। कहते हैं कि ये बात सहाबा पर बड़ी शाख गुजरी और उनके तो रोंगटे खड़े हो, कि अल्लाह के रसूल 1000 में से 999 जन्नत में जाएगा कौन। आपने फरमाया अल्लाह पाक जहन्नम के लिए अलग पैदा करेगा, तुम नहीं हो, एक तुम में से लेगा, 999 उनमें से लेगा। कुछ लोग चुका हदीस में जो अल्फाज है वो ये कि याजूज माजूज में से लेगा, ये जूज माजूज जो है ये गोग मागोग, ये चैनी लोग हैं, चाइना वाली पट्टी जितनी भी है ना, ये जो फीने नाक वाले हैं ये सारे गोग मागोग हैं, ये नस्ल है उनकी। तो कहा कि 999 जूजमा जूज में से लेगा, एक तुम में से लेगा, फिर एक तुम में से लोगा, 999 उनमें से लेगा, तुम फिक्र ना करो। अभी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुफ्फत नार बिशहवात वहुफ्फत जन्नत बिलमकारे, ये भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जहन्नम को शहवात से ढक दिया, अट्रैक्टिव चीजों से, वरना जहन्नम में कौन जाता। वो हदीस है ना कि वो मुस्लिम की, कि अल्लाह पाक ने जब जन्नत बनाई तो फिर इबलीस से कहा, हजरत जबराइल से कहा कि जाके देखो, तो देखा पलट के उनको कहा अल्लाह पाक सारी दुनिया जन्नत में जाएगी, इतनी बेहतरीन, कौन कहेगा कि मैं नहीं जाता। ठीक है, उसके गिर्द फिर अल्लाह पाक ने नमाज रोजा सच बोलना सच्ची गवाही देना वो पूरे लगा दिए ना, जब आप देख के आओ, वो गए तो वापस आके कहने लगे अल्लाह पाक उसमें जाएगा कौन, उसके इर्द गिर्द तो इतनी नागवार। तब फिर जहन्नम बनाई भेजा, क्योंकि अल्लाह पाक उसमें कौन जाएगा,
फिर अल्लाह पाक ने वहां लता मंगेशकर खड़ी कर दी, नूरजहान खड़ी थी, हिट्स कहां जाके देगा। उन्होंने कहा मुझे तो डर है अल्लाह पाक सारी इंसानियत उधर ही मुंह कर लेगी। ये है नफ्स इन चीजों के पीछे दौड़ता है जो अट्रैक्टिव है और वो जहन्नम में लेके जाती है, और जो जन्नत में लेके, चूंकि वो नजर नहीं आती लेकिन जिनको नजर आती है उनके अमाल वो हैं जो सहाबा के। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।